आपकी थिंकिंग एक जैसी होती है, आप जब सेट पे होते हैं तो एक गिव एंड टेक जो है वो बहुत इजी हो जाता है, आप कंफर्टेबल होते हैं, हमारे कई बार सजेशंस और आइडियाज सेम आते हैं। कृति, लुका छिपी में आपकी पेयरिंग काफी पसंद की गई थी कार्तिक के साथ, थोड़ा लाउड बोलो ना। हमारी पेयरिंग बहुत अच्छी थी लुका छुपी में। एंड इस फिल्म के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इट्स गोना बी अनदर ब्लॉकबस्टर, डू यू थिंक सो? एंड व्हाट मेक्स कार्तिक द बेस्ट को-स्टार? ये बड़ा क्वेश्चन पूछ ली एक में। सो या आई थिंक वी लुक रियली गुड टुगेदर, एंड आई थिंक हमारी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन जो लोगों ने देखी, पसंद की लुका छुपी के टाइम पर, आई एम होपिंग दैट दे ऑल्सो लाइक अस हियर इन शहजादा। काफ़ी अलग है जिस तरह हम दिख रहे हैं इस फिल्म में, एंड पहली बार आई थिंक थोड़ा ग्लैमरस अवतार है जो मैंने बहुत टाइम से नहीं किया था, and thanks to Rohit I think he presents like his hero and heroine very very well, and you know he has that aesthetic sense of the glamour, so I hope people like us, and mere aur iski I think tuning aisi hai, you know when you know someone very well and आपकी थिंकिंग एक जैसी होती है, आप जब सेट पे होते हैं तो एक गिव एंड टेक जो है वो बहुत इजी हो जाता है, आप कंफर्टेबल होते हैं, हमारे कई बार सजेशंस और आइडियाज सेम आते हैं, हम कई बार सेम बातें बोल जाते हैं एक साथ, सो ये पहले भी रहा है और ये अभी भी था, सो नथिंग हैज चेंज्ड। आई होप पीपल लव अस अ लॉट मोर देन यू ऑल लव्ड अस अर्लियर। कार्तिक, डू यू रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन समबडी कॉल्ड यू शहजादा फॉर द फर्स्ट टाइम? मेरी माँ ने मुझे बोला था बचपन में तो मुझे आई थिंक सबके मम्मी पापा जब भी उनके घर पे ऐसे कुछ बेटा या बेटी पैदा होते तो फर्स्ट थिंग मे बी ऐसा होता है कि वो बोलते हैं। मैं अभी आई रिमेम्बर दैट ऑल्सो। हेलो कार्तिक, टीम शहजादा, पहले तो कांग्रेचुलेशन इधर कार्तिक जी। जी सर, धमाकेदार मसालेदार ब्लॉकबस्टर ट्रेलर के लिए पहले तो आप सभी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू कार्तिक। एक तरफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में शहंशाह हैं, बादशाह हैं, दबंग हैं, और अब आप शहजादा जी, मतलब फ्रॉम एन आउटसाइडर बीइंग नोबडी टू शहजादा, बीइंग अ शहजादा ऑफ द इंडस्ट्री, प्रोड्यूसर भी बन गए हो, इस जर्नी को आप कैसे देखते हो? इस किस चीज को इस जर्नी को कुछ नहीं, अभी भी बस थॉट यही है कि बस एंटरटेन करता रहूं। नाम आते रहते हैं लेकिन आई थिंक मेन थिंग इज़ कि आप एंटरटेन करें ऑडियंस को, और हर फिल्म के साथ अपने आप को भी मैं भी एक्साइटमेंट एक लाना चाहता हूं। जैसे फॉर मी भूल भुलैया 2 में भी पहली बार जब हॉरर कॉमेडी कर रहा था तो वो मुझे एक तरीके से एक थ्रिल था, एक एक्साइटमेंट था उस जॉनर को क्रैक करने का। ये एक बिल्कुल ही मासी एंटरटेनर फिल्म है जो मैं पहली बार अगेन इसका पार्ट हो रहा हूँ, तो मेरे लिए वो एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये जर्नी में वो थ्रू आउट एक्साइटमेंट रखने की कोशिश की है, एंड आई एम ग्लैड कि ऐसे टाइटल्स हो रहे हैं, बट आई रियली वॉन्ट टू जस्ट एंटरटेन एवरीवन एंड मेक देम हैप्पी एंड मेक देम, मतलब एक स्माइल आनी चाहिए जब वो मुझे देखें। भूषण सर, आपके लिए शहजादा जो है हमारे लकी मैस्केट होते जा रहे हैं लगातार बैक टू बैक, अब ये फिल्म को देख के भी कृति और इनकी पेयरिंग को देख के लग रहा है कि ये भी ब्लॉकबस्टर होने वाली है जी। थैंक यू।